मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में बनियानी गांव में जमीन और पानी निकलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर धारदार हथियार और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया तथा मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र में बनियानी गांव में रविवार की रात देशराज लोधी व जगदीश लोधी के बीच में जमीन तथा पानी निकलने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर जगदीश लोधी ने अपने एक दर्जन से अधिक लोगों के साथ देशराज लोधी व उसके परिवार पर धारदार हथियार व लाठियों से हमला कर दिया, जिससे देशराज लोधी व उसके बेटे गुलाब लोधी की मौके पर ही मौत हो गई तथा जाहर सिंह, राजधर व सोनाबाई गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा घायलों का इलाज जारी है। हमारा कुछ विवाद नहीं था, जमीन का विवाद था। हमने जमीन एक साल पहले खरीदी हुई थी, तो हमने बोला कि भैया हमारी जमीन छोड़ दो, हमने खरीद ली है। तो बोले कि नहीं, ये हमारी है। तो हम लोग भाग गया। इसके बाद ये पीछे से आए तो हमारे तीन पापा को, भाई को और छोटे भाई को इन लोगों ने मारा। तो मैंने पलट के देखा तो ये लोग डले हुए थे, तो मैं भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। किन लोगों ने मारा, काहे से मारा है? इन लोगों ने कुल्हाड़ी, फरसों और लट्ठों और छड़ों से मारा है। इनका नाम है जगदीश लोधी, फूल सिंह लोधी, रूप सिंह लोधी, खूब सिंह लोधी, बालचंद हजारी, मथुरा महेंद्र, देशराज। उसके बाद है वो से आपने जमीन खरीदी थी? संजू बुनकर से। कितने लोग खत्म हो गए इसमें आपको? इसमें हमारे पिताजी और भाई खत्म हो गए। कितने लोग घायल हैं? तीन लोग घायल हैं। थाना बलदेवगढ़ के बनियानी गांव में जमीन और पानी निकलने के विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में दो लोगों की मौत हो गई तथा तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक के घायल बेटे की सूचना पर पुलिस द्वारा जगदीश लोधी, बालचंद्र लोधी, रूप सिंह लोधी सहित 16 लोगों के खिलाफ धारा 307, 303, 147, 148 और 149 IPC के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ये बनियानी गांव में लोधी समाज के दोनों आरोपियों फरियादी हैं। इसमें गुलाब सिंह और जो एक मृतक है, इनकी मारपीट से मौत हो गई है। देशराज की पिता पुत्र हैं, ये गुलाब सिंह पुत्र है और देशराज जो है पिता है। ये कल शाम को घटना, लड़ाई झगड़ा हुआ था इनका, जमीनी विवाद है पुरानी बुराई पर से, और ये जानकारी मिली थी कि पानी आने फैलाने पर से रास्ते में, उसी पर से कल इनका जो है मारपीट हुई थी। तो आरोपी जगदीश, बालचंद, मथुरा, मोहन और हजारी वगैरह ने, इस वजह से 15-16 लोगों ने जो है मारपीट इनके साथ की है, जिसमें दो लोगों की डेथ हो गई है, जिनका पोस्टमार्टम करा दिया गया है, और अभी तीन लोग घायल हैं, एक महिला है। और जाहर सिंह की फरियाद पर जो है आरोपी गुड़े के खिलाफ में 307, 302 और 147, 148 बलवा 149 बलवा करने की जो धारा है वो लगाई गई है। आरोपियों की शीघ्र से तलाश की जा रही है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बुंदेली तरकश के लिए टीकमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।